डिक्स पैड आज हम आप लोग को चेंज करके दिखाएंगे। एक बाहर आ गया, ये दूसरा बाहर आ गया। ये देखिए डिक्स बॉक्स साफ करने के बाद डिक्स पैड को फिट करना है। यह आपका ब्रेक पैड लग के कंप्लीट हो गया, जैसा कि देख रही है। हेलो गाइस, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल राजू जी में। सो दोस्तों, जैसा कि ये हमारा MTB साइकिल देख रहे हैं, ड्यूअल डिक्स ब्रेक वाली 21 स्पीड, तो इसका डिक्स पैड आज हम आप लोग को चेंज करके दिखाएंगे कि किस तरह से डिक्स पैड चेंज होता है। इन फ्यूचर कभी भी अगर आपका साइकिल का डिक्स ब्रेक पैड अगर खराब हो जाता है तो कैसे आप चेंज कर सकते हैं विदाउट शॉप विदाउट मैकेनिक के पास ले जाए हुए, आज की वीडियो में हम आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे और बताएंगे। तो प्लीज हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, अच्छे से देखें, तभी हर एक चीज आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि सेटिंग मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर सेटिंग पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर सही से ब्रेक आपका काम नहीं करेगा, सही से वर्क नहीं करेगा और डिक्स पैड भी आपका सही से वर्क नहीं करेगा। डिक्स पैड में भी आपका प्रॉब्लम आ सकता है न्यू डिक्स पैड में, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। तो चलिए आप लोगों का किन समय ज्यादा ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है डिक्स पैड चेंज करने के लिए, ये जो आप चीरा पिन देख रहे हैं, ठीक है, डिक्स बॉक्स आपको खोलने की जरूरत नहीं है। ये जो डिक्स मशीन डिक्स बॉक्स इसे बोला जाता है, तो ये खोलने की जरूरत नहीं है, ये चीरा पिन को आपको निकालना पड़ेगा। कोई कोई डिक्स बॉक्स में आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रू टाइट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम आप लोग को रियर डिस्क ब्रेक का दिखा रहे हैं, फ्रंट डिस्क ब्रेक रियर डिस्क ब्रेक सेम प्रोसेस रहेगा, जिस तरह से हम आप लोग को दिखा रहे हैं बता रहे हैं। एक आपका इस तरह का डिक्स बॉक्स आ जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए डिक्स मशीन है ये पूरा, ठीक है, डिक्स बॉक्स या डिक्स मशीन बोले। तो इसका डिक्स पैड देखिए सामने से नहीं निकलेगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है, इसके लिए डिक्स बॉक्स पूरा खोलना पड़ेगा। एक डिक्स बॉक्स ये आ जाता है जो कि साइकिल में ऑलरेडी हमारा फिट किया हुआ है, क्योंकि सामने से चीरा पिन को जैसे हम निकालेंगे बाहर, ये आपका डिक्स पैड बाहर आ जाएगा। चीरा पिन खोलने के लिए इस तरह का प्लायर का जरूरत पड़ेगा, या फिर आप मंकी प्लायर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से चीरा पिन को आपको खोलना, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चीरा पिन का मुंह को इस तरह से फैला हुआ रहेगा, इस तरह से आपको मिला लेना है। इस तरह से जैसे ही आप पकड़ेंगे चीरा पिन को, ये आपका बाहर आ जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं बाहर आ गया। ये जो डिक्स पैड रहेगा इसे आपको इस तरह से पकड़ के बाहर की ओर खींच लेना है। ये देखिए एक बाहर आ गया, उसके बाद आपका ये दूसरा बाहर आ गया। ये देखिए डिक्स पैड बाहर निकालने के बाद ये जो नट रहेगा ब्रेक का, ठीक है, ब्रेक जहाँ से हम लोग टाइट या फिर एडजस्ट करते हैं, टाइट ढीला करते हैं, ये नट को आपको लूज कर देना है। और ये जो मेन बॉक्स का जो नट है, ठीक है, ये सेटिंग को मिलाया जाता है ये नट से, ये दोनों नट को आपको लूज कर देना है। इसमें आपको 5mm एलाइन की स्पैनर का जरूरत पड़ेगा, इस तरह से आपको लूज कर देना। ये देखिए डिक्स बॉक्स हमारा हिल रहा, ठीक। सो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं पुराना वाला डिक्स पैड हम बाहर निकाल दिए हैं, तो ये डिक्स पैड हमारा सही है। हालांकि हम आप लोग को बता रहे हैं इस वीडियो में कि किस तरह से आप न्यू डिक्स पैड अपना डिक्स ब्रेक में चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि ये डिक्स पैड का मॉडल आप देख पा रहे हैं, ठीक है, डिजाइन देख पा रहे हैं, तो डिक्स पैड को अपना डिक्स ब्रेक से निकाल लेना है। डिक्स ब्रेक से निकालने के बाद डिक्स पैड आपको जो है साइकिल शॉप में लेके चले जाना है और दिखाना है कि इस तरह का हमें डिक्स पैड चाहिए। तो सेम आपको डिक्स पैड लेकर के आना है, तभी फिट होगा, वरना नहीं होगा। सेम डिक्स पैड अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिलता है तो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ऑनलाइन का। जो न्यू डिक्स पैड रहेगा उसे आपको फिट करना है, लेकिन एक आपका इस तरह का डिक्स बॉक्स आ जाता है, डिक्स मशीन आ जाता है, फिर और भी अदर आपके लिए 3-4 तरह का डिक्स मशीन डिक्स ब्रेक आ जाता है, तो सभी का डिक्स पैड जो रहता है वो आपका अलग अलग रहेगा। तो डिक्स पैड सेम होना चाहिए तभी आपका फिट होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, हम आप लोग को अच्छे से बता दिए। अब चलिए किस तरह से फिट करना है न्यू डिक्स पैड को, वो भी हम आप लोग को बताते हैं। अच्छे से वीडियो को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। न्यू डिक्स पैड फिट करने से पहले बॉक्स को अच्छे से आपको इस तरह से साफ कर देना, जो भी डस्ट वगैरह कचरा वगैरह रहेगा उसे आपको अच्छे से साफ कर देना। चलिए फटाफट साफ कर लेते हैं। डिक्स बॉक्स साफ करने के बाद डिक्स पैड को फिट करना है, तो जिस तरह से आप डिक्स पैड को खोलेंगे उसी तरह से आपको फिट करना है, लेकिन कुछ बात का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले इसका स्प्रिंग को इस तरह से लगाना है, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा पुराना वाला ही डिक्स पैड है, तो हम न्यू वाला नहीं लिए क्योंकि हमारा डिक्स पैड साइकिल का सही है। हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि किस तरह से न्यू डिक्स पैड चेंज किया जाता है। ये देखिए अच्छे से आपको फिट कर लेना है स्प्रिंग में। स्प्रिंग में फिट करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से हल्का सा पुश करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको डिक्स बॉक्स में इस तरह से डिक्स पैड को फिट करना है। ये देखिए इजीली फिट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये देखिए इतना पर आपका फिट हो गया। चीरा पिन रहेगा या फिर स्क्रू रहेगा, अगर स्क्रू रहता तो बहुत ही अच्छी तरीका से और इजीली हो जाएगा, चीरा पिन रहेगा थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इस तरह से चीरा पिन को अंदर की ओर प्रेस करना है, जैसा कि देख रहे चीरा पिन बाहर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना, चीरा पिन का ये जो मुंह रहेगा इसे आपको फैला देना है इस तरह से, ताकि ब्रेक प्रेस करते समय ये आपका बाहर की ओर ना आ जाए, नहीं तो दिक्कत करेगा, ठीक है, ब्रेक पूरा फैल हो जाएगा।
इस तरह से कंप्लीट कर लेना, और स्क्रू रहे तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना। फिर आपको क्या करना है, ब्रेक को प्रेस करके देखना है, ये देखिए ठीक है। ब्रेक वायर अगर आपका जाम बताएगा तो उसे आपको अच्छे से ऑयलिंग कर लेना है, ठीक है। डिस्क ब्रेक वायर, डिस्क पैड फिट करने के बाद पहले आपको ब्रेक को टाइट करना है इस तरह से। ब्रेक को टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रेक को प्रेस करके देखना है कि हाँ सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर सही से वर्क कर रहा है तो ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से व्हील को जो थोड़ा सा रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद फिर आपको ब्रेक को प्रेस कर लेना है इस तरह से। ब्रेक को प्रेस करने के बाद ये जो आप मेन नट खोलेंगे, ठीक है, सेटिंग वाला मेन बॉक्स का, तो ये नट को आपको हल्का हल्का माइनर टाइट दे देना है, ठीक है। माइनर टाइट देने के बाद ब्रेक को छोड़ देना है। फिर आपको जो है एक बार व्हील को रोटेट करके देखना है। व्हील अगर आपका फुल फ्री बताएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि देख रहे हैं ये देखिए, ये जो है हमारा व्हील एकदम पूरा फ्री है जैसा कि देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये सब नट जो है मिला करके एकदम फुल टाइट दे देना है, ये देखिए, ये हमारा एक फुल टाइट हो गया, और फिर आपको दूसरा नट को फुल टाइट दे देना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको ब्रेक को थोड़ा सा टाइट कर देना है, अगर लूज बताएगा ब्रेक तो फिर से आपको ब्रेक को यहाँ से एडजस्ट करके टाइट कर देना है, ये देखिए ठीक है, हम माइनर टाइट कर दे रहे हैं, ये देखिए हाँ, अब हमारा ब्रेक एकदम सही से प्रॉपरली टाइट हो गया है, और यह आपका ब्रेक पैड लग के कम्प्लीट हो गया जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास वर्क करा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये देखिए। तो इस तरह से न्यू ब्रेक पैड आपका फिट होता है साइकिल में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिस तरह से वीडियो आपका काम आए उस तरह से अगर व्यक्ति का भी आएगा।